एक ऐसी घटना घटी कि एक कमरे में सत्संग चल रहा था, तो जब सत्संग चल रहा था तो उसी समय भूकंप आया, धरती कांप गई महाराज। तो जितने भी सत्संगी थे सब निकल करके भाग गए। अब सत्संगी भाग गए लेकिन जो महात्मा थे वहीं पर बैठे रहे, नेत्रों को बंद किए हुए, सत्संग चल रहा था वहीं पर बैठे थे। लोग भाग गए कि कहीं हमारे ऊपर ही घर ना गिर जाए महाराज, ये छत हमारे सिर पर ही ना गिर जाए। जैसे ही भूकंप कुछ समय के बाद रुका तो फिर लौट करके आए और देखा कि सब तो भागे लेकिन संत नहीं भागा। तो कहा महाराज, फिर से आकर के बैठ गए और कहा महाराज आरंभ करिए। तो संत ने नेत्र बंद किया है, वो अपने अंतर मन की यात्रा में खोए हुए हैं महाराज। और जैसे ही सत्संग आरंभ होने वाला है तो एक सज्जन ने कहा कि प्रभु ये बताओ महाराज, ये बताओ सब तो भूकंप के डर से निकल करके भागे बाहर, लेकिन आप क्यों नहीं भागे। तो संत ने कहा कि बात ऐसी है, भागा तो मैं भी था। तो उन्होंने कहा दिखा क्यों नहीं हमें, भागे आप भी तो दिखा क्यों नहीं। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि महाराज भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा। तुम बाहर भागे इसलिए कि कहीं छत सिर पर गिर जाए भूकंप से तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये बताओ भूकंप का तो कोई भरोसा नहीं, धरती फट जाएगी तो फिर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे महाराज। इसलिए संतों की जो बात होती है, संतों की जो यात्रा होती है वो अंतर मन की यात्रा होती है, और उनके बात ऐसे होते हैं महाराज कि समझने वाला ही समझ सकता है, और जो समझ गया उनके सत्संग को, उनकी बातों को, उसका जीवन धन्य हो गया, उसी का जीवन सुधर गया। इसलिए महाराज ये संशय है मन में, और इस संशय को आप दूर करिए। क्या संशय है कहिए भरद्वाज जी कि महाराज मैंने सुना है, किसको सुना है कि राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण निषद गावा, राम नाम कर सद प्रभावा संत सब। महाराज मैंने उस राम के नाम की बड़ी महिमा सुनी, और मैंने तो ये भी सुना है कि वेद पुराण उपनिषद भी उसकी महिमा को गाते, साक्षात हमारे महादेव भी उसके नाम में रमण करते हैं। तो महाराज मैं इसी संशय को दूर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राम को नहीं जानता, एक राम को मैं जानता हूँ। किसे जानते हो कहो महाराज, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि किसे जानते हैं कहिए, तो यहाँ पर भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज जिस राम को मैं जानता हूँ उसका मैं आपको वर्णन करके बताता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, चरित विदित संसारा, दिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, जिसका नाम महिमा, जिसके वर्णन को, जिसके नाम को तो साक्षात महादेव भी गाते हैं, वेद उपनिषद जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो क्या ये राम वही है जिस राम को मैं जानता हूँ। महाराज मैं जिस राम को जानता हूँ वो राम कौन है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तो उस अवध के नरेश
दशरथ महाराज के पुत्र राम, जिनकी जिन्होंने अपने माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए वन का गमन किया और वन में जा करके निवास करने लगे, और वन में रावण आया, उनकी पत्नी को हरण करके ले गया महाराज अपनी पत्नी के विरह में, जो दर दर भटके उसकी खोज में। तो क्या ये राम और ये राम दोनों एक हैं? जिसकी प्रशंसा उपनिषद करते हैं, वेद करते हैं, वो राम, और क्या ये राम दोनों एक हैं? तो महाराज मुझे बड़ा संशय हो रहा है, इस संशय को दूर करिए और मेरे मन से इस संशय को मिटा करके मुझे उस राम की महिमा का वर्णन करके बताइए। तो ये संशय बहुत से लोगों के मन में होता है महाराज। एक जगह ऐसा ही हुआ कि एक संत पधारे हुए थे। अब उस गांव में संत आए हैं, महात्मा आए हैं, तो लोगों ने सोचा कि हमारे गांव में कभी कथा नहीं हुई, तो क्यों ना महात्मा आए हैं तो इनका प्रवचन करवा लेते हैं एक बार। तो महाराज हुआ ऐसा ही, संत के चरण पकड़ लिए जा करके कि महाराज ऐसा करो, हमारे गांव में प्रवचन सुना दो, सबको सत्संग करा दो। तो संत ने कहा कि हम प्रवचन करते ही नहीं हैं, हम प्रवचन करते ही नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। बड़ा निवेदन किया कि प्रभु सुना दो, आप जैसा संत पधारा है, यदि आपके मुख से एक वाणी भी निकल गई तो सत्य हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए सुना दीजिए। बड़ा निवेदन किया, तब कहीं जाकर के संत मान गए। अब दूसरे दिन पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए कि आज हमें सत्संग सुनने को मिलेगा। संत का आगमन हुआ, उन विद्वान का आगमन हुआ, बैठे महाराज, और जैसे ही बैठे तो लोग भी आकर के सबरे एकत्रित हो गए, बैठ गए। हाँ महाराज, सत्संग आरंभ करिए, हम प्रवचन देंगे, सत्संग देंगे। तो संत ने पहली ही वाणी बोली कि ये बताओ ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, ईश्वर है या नहीं है, आप क्या कहते हो, है या नहीं है? कौन कौन कहता है हाँ? हाथ है सभी के पास, दिखाइए दोनों हाथ उठा करके, है हाथ? राधे राधे, अब उठा लो, जयकारा। हमेशा दोनों हाथों को उठा करके ही बोला जाता है, क्योंकि डूबते हुए को हाथों का ही सहारा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो महाराज इस भाव में भी तो डूब रहे हो, तो हाथ उठा लो और कह दो एक बार राधे राधे। तो बताइए ईश्वर है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। सब कह रहे हैं है। तो संत ने प्रवचन वहीं पर बंद कर दिया, उठ करके चले गए। अब सबने हाँ कह दिया तो उठ करके चले गए। महाराज क्या हुआ, किस बात से नाराज हो गए, हमने ऐसी कौन सी बात कह दी? लोग उनके पीछे पीछे भागे और जा करके चरणों में गिर गए कि महाराज ऐसी कौन सी अटपटी बात हमने कह दी, आपने जो पूछा हमने बता दिया कि ईश्वर है कि नहीं है। महाराज है तो बता दिया कि है ईश्वर, यदि ईश्वर न होता तो ये संसार चलता कैसे, ये श्वास जीव लेता कैसे, ये सृष्टि महाराज इसकी उत्पत्ति कैसे होती, पालन कैसे होता, संहार कैसे होता? तो ईश्वर है तभी तो ये संसार चल रहा है। तो महाराज आपने कहा कि ईश्वर है या नहीं है, तो हमने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि ईश्वर है, अब आप रूठ करके चले गए। तो महाराज ने कहा कि देखो, हमने पूछा कि ईश्वर है या नहीं है, तो आपने कहा है। तो अब महाराज जब सब जानते हैं कि ईश्वर है तो प्रवचन किसका सुनना, जब है तो उसका भजन करो। महाराज चले गए। अब कोई बात नहीं महाराज, कल प्रवचन सुना दो, कल कोई नहीं कहेगा, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। दूसरे दिन अब रात्रि में पहले ही लोग एकत्रित हो गए। अब कहा कि देखो, संत कुछ भी बोले लेकिन सब में ना ही बोलना है, ये कुछ भी बोलेंगे हमें ना ही बोलना है। अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब प्रवचन करने के लिए महाराज जी आए, बैठ गए, फिर से पूछा, जैसे ही प्रवचन आरंभ हुआ, महाराज आरंभ करिए, तो महाराज जी ने कहा ये बताओ ईश्वर है कि नहीं है, तो सब ने हाथ उठा दिया कि नहीं है, नहीं है, है। तो अभी आप अभी कह रहे हो है, उस समय फंसे होते तो आप भी कहते कि नहीं है। प्रवचन सुनने की लालसा है, सत्संग करने की इच्छा है, तो सत्संग में
जब मन लग जाए ना तो ये मन कहीं और लगता नहीं महाराज, इसलिए किसी प्रकार कहना पड़े कि नहीं है तभी तो सुनाएं, तो सुनाएं तो कम से कम। इसलिए कहा कि नहीं है, तो संत ने कहा कि सोच समझ लो, एक बार और पूछ रहा हूँ, है कि नहीं है ईश्वर? तो सब ने कहा महाराज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है नहीं है, फिर से महाराज उठे चले गए, फिर गए पीछे पीछे, महाराज अब क्या हो गया, अब तो नहीं कह दिया, अब तो सुना दो प्रवचन। तो महाराज बोले जब जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, तो उसके बारे में सुनाना क्या। अब तो महाराज बड़ी मुश्किल है गई, हाँ करे तो बेचारे फंस गए, ना करे तो बेचारे फंस गए। महाराज कोई बात नहीं, कल बस एक और मौका दीजिए, हम प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ। अब फिर से तीसरे दिन वही हुआ, अब रात्रि में ही लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने विचार विमर्श किया कि अब आधे हाँ बोलेंगे और आधे ना बोलेंगे, 50-50% में सब अपने आप को बांट रहे हैं कि आधे 50% जो हैं वो हाँ बोलेंगे और आधे 50% जो हैं वो ना बोलेंगे। ठीक है, अब रात्र में इनका विचार विमर्श हो गया सबरे लोगों का मारा। दूसरे दिन फिर से संत पधारे, जैसे ही गद्दी पर बैठे महाराज और पुनः कथा आरंभ हुई, तो महाराज सुनाइए अब आज प्रवचन आरंभ करिए। तो महाराज ने फिर से कहा कि वही प्रश्न, बताओ ईश्वर है कि नहीं है? तो आधे ने कहा कि है और आधे ने कहा नहीं है। अब दोनों में विवाद होने लगा, इन्होंने पहले से योजना बनाई हुई थी इसलिए ये आपस में विवाद करने लगे, है वाले झगड़ने लगे और नहीं है वाले भी झगड़ने लगे महाराज। तो महाराज ने देखा कि ये आपस में झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं है और है, तो महाराज फिर उठे चले गए। अब लोग फिर दौड़े दौड़े गए, महाराज अब क्या हो गया, अब तो आधे कह रहे हैं है, आधे कह रहे हैं नहीं है। तो महाराज ने कहा जो कह रहे हैं है वो नहीं वालों को स्वयं समझा ले, तीसरे को लाने के बीच में क्या आवश्यकता, अपने गांव की बात स्वयं सुधार लो। इसलिए महाराज संतों की वाणी बड़ी विचित्र, और ये सत्संग महाराज ऐसा कि जिसकी यदि लालसा हो जाए, मन लग जाए, तो फिर ये मन कहीं और लगता नहीं। इसलिए आप मुझे उस राम की कथा सुनाइए, आखिर वो राम है कौन महाराज, जिसे मैं जानता हूं या जिसकी वेद उपनिषद वंदना करते हैं, दोनों राम एक हैं या कोई और है। तो याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज आपको इच्छा हुई है राम कथा सुनने की, लेकिन आप सीधे सीधे कहने में संकोच कर रहे हैं, इसलिए आपने घुमा फिरा करके बात कही है, बाकी इच्छा तो आपकी राम कथा सुनने की है। इसलिए जानते तो आप सब कुछ हैं, पर मैं आपको सुनाऊंगा वही राम कथा महाराज, ये राम कथा कैसी है। तो राम कथा को कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जीव पाना। महाराज ये राम कथा ऐसी है कि आपका मन क्या, कोई भी सुनने वाला रसिक श्रोता हो तो उसका मन बार 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 इस ओर बढ़ता है। कितनी बार भी आप राम कथा को पढ़ लो सुन लो, लेकिन यदि मन राम के चरणों में रमा है तो वो मन बार बार उस कथा को सुनने की ओर लालायित होता है। इसलिए आपकी इच्छा हुई है इस कथा को सुनने की महाराज, ये राम कथा है ही कैसी, कैसी है महाराज कि जिस प्रकार अब यहाँ पर है तो सूर्यवंशी राम की कथा, लेकिन तुलसी बाबा ने किससे इसका मेल किया है, चंद्रमा की किरणों से। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों में शुभ भी अशुभ भी दोनों प्रकार की किरणें होती है। अब किसी को पसंद आए ना आए महाराज, लेकिन चंद्रमा की किरणें कैसी होती हैं, सबको पसंद आती है और शीतलता प्रदान करती है। इसलिए राम कथा भी सबको पसंद आती है, सबको शीतलता प्रदान करती, ऐसी है ये राम कथा महाराज। और ये राम कथा ऐसी है कि जिस प्रकार उस चंद्रमा पर चकोर सदैव उसके किरणों का पान करने के लिए, उस अमृत का पान करने के लिए ललायत रहता है, उसी प्रकार महाराज ये
मन भी जिसका राम में लग गया वो सदैव राम की कथा में ललायित रहता है। तो मैं आपको वही कथा सुनाऊं जो कथा स्वयं शंभु भोले नाथ ने कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि से श्रवण पान की करी।